व्हाट्सएप मैसेज से दी गई 17 वर्षीय बच्चे को किडनैप करने की धमकी। आरोपी ने मांगी परिजनों से 25 लाख की फिरौती। शहडोल के बुढ़ार नगर में रहने वाले एक 17 वर्षीय बच्चे को किडनैप करने की धमकी आरोपी द्वारा फोन और व्हाट्सएप मैसेज से दी गई। इतना ही नहीं, आरोपी द्वारा परिजनों से 25 लाख की फिरौती भी मांगी गई। धमकी मिलने पर परिजनों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिस पर बुढ़ार पुलिस ने मोबाइल नंबर और मैसेज के आधार पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। 25 तारीख की घटना है, मेरे साथ 12:44 पे मेरा मैसेज आता है कि आपके बच्चे को उठा लिया जाएगा, आप 20 लाख रुपए तैयार रखिए, नहीं तो आपको बच्चे को जान से मार दिया जाएगा, उसका जनाजा निकाल दिया जाएगा। और मेरे को संबोधन किया गया, मकरंद सेठ आप वो करते हैं। तो उसके बाद मैं उस व्हाट्सएप को देखा, मैंने उसमें रिप्लाई की, भैया मैं इस तरह का आदमी नहीं हूँ। और मैं उसके बाद उसका मैसेज आता है, हमने सूचना दी पुलिस थाने को गुप्त रूप से, सामने ना आने की, किसी से हमारे बच्चे को कोई खतरा हो। और पुलिस ने, भाई साहब एक मेरे पड़ोस में अवस्थी रोड लाइन्स है, उनके एक कर्मचारी ये भतीजा उनके रिलेशन में, ये मैं नहीं वो कर सकता क्योंकि मैं 20 दिन से गरबा के कार्यक्रम में था नगर के, और दुकान में स्थायी रूप पे बैठ नहीं पा रहा था। मैं उस कर्मचारी को अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, और वो उसका नाम आया। उसके बाद उनके एक छोटू, उनका सब उनके परिवार का है, उसका नाम आया। यही साहब ने बोला, बाद में बोला इसमें 4-5 लोग हैं, आप ठहर रखिए गुप्ता जी, बड़े आदमियों का हाथ है। वो उसने घटने में बोला कि आप, जिसने व्हाट्सएप की उसने बोला बड़े आदमियों का हाथ है, आप हम लोगों से बच के रहिए। अब पुलिस की जब उसको जानकारी हो गई तो उसने बोला कि ये रकम आपकी 25 लाख होती है, 27 तारीख को कहाँ जाना है, क्या रखना है, हम बताएँगे। किन किन लोगों पर आप कार्रवाई अब चाह रहे हो, पुलिस कितने लोगों को बचा रही है? गिरोह का क्लियर हो सके, मेन हमारा ये है कि जो गिरोह है, नहीं जो गिरोह है इसमें वो जिस व्हाट्सएप के थ्रू जितने लोग उस चैनल में हों, मैं चाहता हूं कि उनका लिस्ट निकले, उस वो किस किस कांटेक्ट में था वो लड़का। वो 18 साल का लड़का एक अकेला अभियुक्त नहीं हो सकता। मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ पुलिस की जाँच से। मैं ये चाह रहा हूँ कि भाई साहब मेरे को एक निष्पक्ष जाँच मिले, और इस तरह की घटना हमारे शहर में या हमारे जिले में भविष्य में भी नहीं हुई है, ऐसा ना हो, इस तरह किसी के साथ ना हो। मैं इसी के साथ आप लोग का सहयोग चाहता हूं। इधर परिजन पुलिस की कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है, जिसके बाद कसौधन वैश्य समाज के नेतृत्व में मामले को लेकर एसपी को ज्ञापन सौंपा है। परिजनों की मांग है कि इस साजिश के पीछे कई अन्य लोगों का हाथ है, जिनके विरुद्ध बुढ़ार पुलिस कार्रवाई करने से परहेज कर रही है। हमारे कसौंदर वैश्य समाज बुढ़ार के मंगेश भैया के हमारे छोटे भैया हैं, मगरेन गुप्ता, उनके बच्चे के लिए 25 तारीख से व्हाट्सएप जारी हो रहा है कि हमें 20 लाख रुपए पहुंचा दीजिए, नहीं तो हम आपके बच्चे का अपहरण कर लेंगे, मर्डर कर लेंगे। इस प्रकार से धमकियाँ दी जा रही हैं। उनका रिपोर्ट किया गया कल, वहाँ बुढ़ार थाने में कुछ विश्वसनीय जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई नहीं हो रही है। कार्य करने वाला कोई और है, और जो सामने लाया जा रहा है वो कोई और है, और वो साफ लिख रहा है कि मेरे पीछे बहुत बड़े लोगों का हाथ है। इसके लिए आज हम ज्ञापन दिए हैं सम्माननीय परम हमारे जो एसपी साहब हैं, वो यहाँ उपस्थित नहीं थे, उनकी जगह डिस्ट्रिक्ट एसपी मैडम साहब थी, उनको ज्ञापन दिए हैं, जिसमें हमने मांग की है कि हमारा वैश्य कसौंदन समाज जो है कभी किसी प्रति गलत करता नहीं है, और हमारे वैश्य समाज के प्रति आज इस प्रकार की पूरे जो भय व्याप्त हो गया है प्रत्येक नागरिक में, वो उसको दूर किया जाए। और ऐसे जो पर्दे के पीछे लोग हैं, जो जिसको पकड़ा गया है वो एक 18 साल के अंदर का लड़का है, वो ऐसा कर नहीं सकता, उसके पीछे कोई बड़ी हस्तियां हैं, उन हस्तियों तक आप पहुंचिए और उन हस्तियों को पकड़ के पर्दाफाश करिए, जिससे हम संतुष्ट हों। अगर इस कार्यवाही में हम संतुष्ट हो जाते हैं उनके द्वारा, क्योंकि हमारे बुढ़ार नगर के हमारे जो महामंत्री जी हैं सूरज जी,
अध्यक्ष जी हैं मंगेश जी, वो भी आए हुए हैं। गुढ़ार नगर के कम 100 समाज के लोग आए हुए हैं और शहडोल से भी करीब 150 लोग उपस्थित हुए और उनको ज्ञापन दिए हम। तो उनको पूरा भरोसा मिला है कि हम इस पर आज डायरी मंगाएंगे और उस पर हम अपनी जांच करेंगे। संतोषजनक कार्रवाई न होने पर, क्योंकि मैं कसौन अनुवैस महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, ये पूरे प्रदेश में ये एक मुहिम छेड़ी जाएगी और पूरे कसौंधन समाज द्वारा हर एक एसपी कार्यालय में ज्ञापन दिया जाएगा, इसका विरोध किया जाएगा। इसके बाद भी अगर हमारा जो कार्यवाही संतुष्ट नहीं है अगर, तो उसके आगे की हम बैठ के एक प्रारूप बनाएंगे और प्रांतीय स्तर पर इसका हम विरोध करेंगे और जब तक कार्यवाही हमको संतुष्टजनक नहीं होगी तब तक हम इस पर कार्यवाही करते रहेंगे। यही हमारी एक विचार है और इस पर जब तक ऐसे लोग जो पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं उनको जब तक पर्दे के सामने नहीं लाया जाता, उनको उजागर नाम नहीं किया जाता, उनको बंद नहीं किया जाता, तब तक हमारी कार्रवाई चलती रहेगी। हालांकि इस मामले में एएसपी अंजुलता पटले का कहना है कि मामले को लेकर पुलिस जांच में जुटी है और जो भी आरोपी इस मामले में संलिप्त पाए जाएंगे उनके विरुद्ध निश्चित ही कार्यवाही की जाएगी। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट शहडोल। देखिए, बच्चों के परिजन के द्वारा अभी पुलिस अधीक्षक कार्यालय आकर के एक ज्ञापन भी दिया गया है। संपूर्ण मामले में हम देखें तो थाना बुढ़ार में जो है जो गुप्ता फैमिली वहाँ के निवास रहते हैं, उनके बच्चे के पास में जो है उनके मोबाइल नंबर पे जो है एक अननोन नंबर से एक मैसेज आया, धमकी भरा मैसेज है, उसे 25 लाख रुपये की डिमांड भी थी। उसके जिस आधार पर पुलिस पर जो सूचना उन्होंने दी और शिकायत पत्र दिया, उस आधार पर हमारी टेक्निकल टीम उसमें लगी और उस पर कार्रवाई भी किया। टेक्निकल रूप ने रात भर काम किया और उसके आधार पे उसमें जो अननोन मोबाइल धारक को पता कर सके उस पर जो है उसको पूछताछ हेतु बैठाया गया और उसमें जो अन्य साक्ष्यों का इसमें हम संकलन कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा इसमें अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है और इन्वेस्टिगेशन निरंतर रूप से जारी है। देखिए, परिजन ने अपना एक ज्ञापन प्रस्तुत किया, एक शिकायती पत्र प्रस्तुत किया जिसमें उनका कहना है कि उस व्यक्ति के अलावा अन्य लोग भी हो सकते हैं या है। इस बिंदुओं पर पूरे रूप से इन्वेस्टिगेशन जारी है और अगर इस प्रकार की कुछ चीजें इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगी तो उस पर निश्चित रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नए वीडियोस एवं ताजी खबरें मिलती रहें इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।